हेलो वेलकम टू केन स्टडी सीएपीएफ एसी 2021 फीडबैक टॉपिक नंबर नाइन आई एम प्रेजेंटिंग इसके पहले आपका एट टॉपिक्स प्रेजेंट किया जा चुका है जो भी सब्सक्राइबर हैं वो लिख करके आप मुझे सेंड करें और मैं उसका फीडबैक सब्सक्राइबर इन द सेंस की जो इस कोर्स के सब्सक्राइबर हैं ठीक है तो आज का जो टॉपिक हम देखेंगे बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया फेलियर ऑफ गवर्नेंस एंड रेगुलेशन देखो तो भारत में बैंकिंग संकट शासन और बी बी की विफलता बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी नहीं है एक चीज आपको ध्यान रखना है जो ये ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन बैंकिंग यदि देखते हो तो आज के डेट में सिर्फ इकोनॉमी नहीं है ये एक सोशल एस्पेक्ट्स भी इसके साथ जुड़ा हुआ है हर छोटे से छोटे लोग जो हैं बैंक की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं आज के डेट में आज के डेट में देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो डीबीटी के थ्रू जो पैसे मिल रहे हैं ए लॉट ऑफ थिंग्स देखो रिसेंट टाइम में बहुत सारी चीजें सुविधा हुई है सुविधाएं हुई है इस बात के लिए आपको श्रेय देना पड़ेगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं इसमें जो जनधन आधार और मोबाइल ये इसका एक तरह से ये बहुत अच्छा काम किया है कहीं ना कहीं देखो पहले मान के चलो कि आप बैंकिंग वगैरह में देखते थे तो लोग लाइन में लगे रहते

कि जान पहचान के लोग थे तो उनसे ये करके कि चलो आप लिख करके दे दो ये सारी चीज़ें करने पड़ती थी तो ठीक है वहाँ बोला एक ही का खुलेगा तो मैंने सोचा चलो अपने फादर का ही खुला दिया जाए आज के डेट में देखो हर के पास बैंकिंग सुविधा है हर इनफैक्ट आज के डेट में देखो एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके पास भी ऑब्वियसली एक बच्चा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करेगा तो ज्वाइंट खाता अकाउंट होता है ताकि जो है उसका जो बेनिफिट सपोज ड्रेस के लिए पैसे मिलते हैं फिर आगे चल के सपोज साइकिल के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारे सुविधाएं मिल रही है ओल्ड एज पेंशन है तो डायरेक्ट पहले क्या होता था कि जाना पड़ता था वहां डायरेक्ट कैश तो परेशानी होती थी लगे हुए, आप बैंक साथ ही है, और जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू आप पैसे निकाल सकते हो सुविधाएं बहुत ज्यादा आपके डोर स्टोप स्टेप पे है बैंकिंग एट द डोर स्टेप लेकिन यदि बैंकिंग में प्रॉब्लम होता है देखो कोई भी यदि कोई दो हजार ही जमा किया कोई एक पुअर पर्सन है टू थाउजेंड तो टू थाउजेंड उसके लिए बहुत अधिक हो सकता है टू थाउजेंड किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन टू थाउजेंड किसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है तो जो बैंकिंग संकट है तो वो उसका जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस आज रिसेंट टाइम में आपने नीरव मोदी का केस रेगुलर चर्चा में रहता है नीरव मोदी ठीक है तो नीरव मोदी आपका पैसा लेके भागा उसके बाद देखोगे फिर यस बैंक में प्रॉब्लम हुआ राणा कपूर ठीक है राणा कपूर और बहुत सारे जो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक फेलियर तो एक समय आ, कुछ दिन पहले देखोगे कि ये हो रहा था कि सरकार को हर महीने आ, जारी करना चाहिए आ, एक लिस्ट कि इस महीने कौन सा बैंक फेल होने वाला है या इस महीने कौन सा बैंक नहीं फेल होगा तो ये सारी चीजें जो भी है भारत तो एक इतना बड़ा देश है मिलियंस ऑफ पीपल बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं खास करके तीन जो बैंक हमारे पास है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक ठीक है तो उसमें से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आईसीआईसीआई uh, बैंक है और एचडीएफसी बैंक है ये तीनों जो हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक बैंक है और जो सिर्फ एसबीआई ही है जो आपका टॉप uh, बैंक में आता है आपका वर्ल्ड में टॉप में से आता है अंडर हंड्रेड में से सिर्फ आपका ये, ये एस बी आई ही है जो कि उस लेवल में आता है तो कहीं ना कहीं जो भी बैंक वगैरह फेलियर होता है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती है कि 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 लॉट ऑफ पीपल हैं अब जस्ट इमेजिन करो यदि कि, किसी को पता चला कि बैंक में प्रॉब्लम है हर कोई प्रॉब्लम कंटेजियस इफेक्ट होता है की लॉट ऑफ पीपल जो होते हैं वो दौड़ करके निकल जाते हैं कि किस हमारा जो भी कुछ पैसे हैं हम उसको निकालने ए, एक समय आईसीआईसीआई का भी यह हुआ था बहुत पहले की बात है कि आई का लगा कि ये फेल होने वाला है तो लोग गए तो आरबीआई ने बोला ठीक है जो लोग पैसे निकाल रहे हैं आप निकालने तो हम सप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे जो रेगुलेशन होते हैं जैसे आप देखोगे सी रखा जाता है ठीक है सी बैंकों में रखा जाता है एस रखा जाता है ये इस वजह से कि कुछ जो क्वेश्चन प्रोवाइड करें यदि फेलियर वगैरह कुछ भी सिचुएशन होता है तो आरबीआई उस केस में हेल्प करे तो ये जो सी आर वगैरह है उनके मदद से भी हेल्प किया जाता है तो कहीं ना कहीं देखो हमारे यहाँ जो बैंक है तो आर बी जो क्या है वो बैंकिंग रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाती है तो और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनंस तो बैंक को देखो दो टाइप के हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट की शेयर हिस्सेदारी नहीं है उसमें से जो क्या है कि पब्लिक के भी है लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक बोलते हैं तो उसमें यानी कि फिफ्टी प्लस परसेंट जो है वो शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कुछ देखो आपके पास ये हैं ग्रामीण बैंक हैं फिर कुछ कोऑपरेटिव बैंक हैं तो जब हम बैंकिंग कहते हैं तो बैंकिंग में सारे आ जाते हैं क्योंकि भी जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले जो देखोगे तो कोऑपरेटिव बैंक में फेलियर हुआ था तो कोऑपरेटिव बैंक भी जो खास करके हैं लोअर एंड मार्जिनल लेवल के जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको लोन देने में अहम भूमिका निभाते हैं तो जो बैंकिंग रेगुलेशन है बैंकिंग रेगुलेशन है ये कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीका से होना चाहिए अब इसमें से आपको स्टडी करना है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है बैंक में किस कारण से ये फेल हुए टाइम के कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रेजेंट करोगे जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक में क्राइसिस हुआ था फिर उसके बाद आपके यस बैंक में क्राइसिस हुआ और एन नंबर ऑफ थिंग्स को आपको स्टडी करना है और इसमें से जो भी है आप लिख करके हमें सेंड करोगे देखो ये फीडबैक टॉपिक मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि इसमें आपके पास सफिशियंट टाइम होता है आप इन नंबर ऑफ टाइम को सर्च करो देखो समझो और उसके बाद फिर हमारे पास लिख करके भेजो उसके बाद मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड कराऊंगा और जो भी इस कोर्स के सब्सक्राइबर हैं ये उनको मैं फिर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी जितने भी फीडबैक हैं ट्वेंटी सपोज मैंने इस कोर्स में ट्वेंटी फीडबैक टॉपिक्स बोला तो ट्वेंटी के आपको सॉल्यूशन भी जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें सॉल्यूशन भी ये मिलेगा ओके okay? कुछ भी क्वेश्चन क्यू है तो आप बताओ और लिख करके आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर जो भी आप जिससे जुड़े हुए हो वो सेंड करना है ओके okay? Thank you.